नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं जग चुकी थी 5:30 बजे। ऑलमोस्ट जो बेसिक काम होता है वो ख़त्म हो चुका है। आई हूँ बच्चों को जगाने के लिए, तो ये लोग अभी सो रहे हैं, तो चलिए पहले इनको जगाते हैं फिर चलते हैं किचन में। ये देखिए, इन लोग को स्कूल भी जाना है और आज पता नहीं क्यों इतना सो रहे हैं ये लोग, और लाइट नहीं है इसलिए मैं काफ़ी देर से जगी थी। उठो बेटा। ये देखिए दोनों कहाँ सोई है, एक यहाँ सोई है एक यहाँ सोई है। तकिया कहाँ है और ये लोग कहाँ है, तो उठाती हूँ पहले। यहाँ पे मैं धो रही हूँ अंगूर, लोग को धोकर खिलाना है तो पहले धो लेती हूँ। अभी कुछ खाने के लिए नहीं है, ब्रेड वगैरह भी ख़त्म है और कॉर्नफ्लेक्स है लेकिन दूध नहीं है, तो कुछ भी तो खाने के लिए चाहिए। बच्चे उठते हैं तो भूख लग जाती है इन लोगों को, इसलिए मैं इसको धो रही हूँ। और यहाँ मैंने आलू लिया है, ये लोग स्कूल जाएंगे तो इसके लिए मैं आलू का भुजिया और पराठा बनाऊँगी, तो आलू भी रख ली हूँ। तो चलिए पहले इसको छान लेती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे वाले अंगूर हैं, थोड़े महंगे ज़रूर हैं पर बहुत ही टेस्टी है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका खट्टा टेस्ट है या मीठा है, बिल्कुल बराबर बराबर इसका टेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा है। और साइज़ देखिए बिल्कुल सेम साइज़ का है, थोड़ा सा ही बड़ा छोटा भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा अंगूर है। तो आजकल हमारे घर में यही आता है ज़्यादा। तो इन लोगों को आजकल आलू का भुजिया बहुत पसंद है, वो भी ये पतली वाली महीन वाली चौड़े वाली नहीं। तो आज इन लोग का फेवरेट भुजिया बन रहा है। और देखिए मैंने इतने सारे आलू लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारा आलू है, क्योंकि ये भुजिया जो होता है ना गल के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए पहले इन लोग का पराठा भुजिया बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस पराठा बनना शुरू हो गया है। एंजल का प्लेट यहाँ लग चुका है और टमाटर की चटनी बन रही है, पता नहीं कितना कुछ बनने वाला है। ये देखिए बैंगन काट के मैंने रखा है, इधर आलू बन रहा है। बैंगन की जो सब्जी है बहुत अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पहले पराठा बना के इन लोगों को खिला के लंच पैक करके भेज देती हूँ। अभी तक बन गया होता पर ये लोग थे नहीं, थोड़ा सा जान के लेट हो गया है। तो गर्मा गर्म पराठा आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए, इन लोग का लग चुका है। तो चलिए मिलते हैं फिर इन लोग को भेजने के बाद। नहा कर आ गए हैं फ्रेंड्स, पूजा भी कर लिया है भगवान को, ये तो डेली का काम है। और अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, पराठा भुजिया, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी बैंगन की। आप लोग कहेंगे हर बार बैंगन की ही सब्ज़ी, तो आजकल बैंगन जो है ना नए नए पेड़ से निकल रहे हैं, उसकी सब्ज़ी जो है ना काफ़ी टेस्टी बन रही है आजकल। तो तरह तरह की सब्ज़ी बनती है, दही बैंगन है, बैंगन का भरता है, उसका भरवा है, तो एक दो करके शेयर करेंगे धीरे धीरे आप लोगों के साथ। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, इसके बाद सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ पुदीने का पत्ता तोड़ने, ये गमले में लगा हुआ है और देखिए काफ़ी यहाँ का मिट्टी ड्राई हो चुका है। तो मुझे मन है आज चटनी बनाने का, बच्चे थोड़ा बहुत आम लाए हैं कहीं से टिकोले, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में ऐसे शेयर किया है पर इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो मैं फटाफट से पुदीने का पत्ता तोड़ रही हूँ। इसे आम की चटनी में डालकर बनाया जाए ना तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है और चटनी का एरोमा जो है ना बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देखिए ये आम आया है कैरी, हमारे यहाँ टिकोला बोलते हैं, इसका चटनी जो होगा ना बहुत टेस्टी होगा। तो पुदीने के साथ ही इसकी चटनी बनाएंगे, धनिया भी मिक्स करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसको छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेते हैं और इसके अंदर जो छोटी छोटी गुठली है उसको पहले निकाल के बाहर कर लेते हैं, फिर चटनी बनाते हैं। इस तरीके से छीलेंगे और छील कर इसका ये जो बीज है इसको रिमूव कर लेंगे इस तरीके से, और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे क्योंकि मिक्सी जो है ना हमारी उतना नहीं पीसती है। तो इसको देखते हैं या तो सिलबट्टा पे पीसेंगे या मिक्सी के जार में कोशिश करते हैं पीस पाता है कि नहीं।
छीलने के बाद इसे पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो यहाँ देखिए मैंने पानी से छानकर डाल दिया है जार में। इसमें खूब सारा धनिया पत्ता हमने डाला है, जितना मैं पुदीने का पत्ता लाई थी सबको मैंने डाल दिया है। 3 लहसुन की कलियाँ डाली हैं, 2 हरी मिर्च है और 2 सूखी लाल मिर्च है। स्वादानुसार नमक डाल दिया है और 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। पहले के लोग ऐसे ही चटनी बनाते थे तो बहुत ही टेस्टी बनती थी। तो चटनी पीसने के बाद तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया। तो चलिए बैंगन का सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने मसाले को दरदरा पीस लिया है सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे पिसा हुआ मसाला जो है ना काफ़ी अच्छा सा टेस्ट देता है। जीरा लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट कढ़ाई है। गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों तेल में ये काफ़ी टेस्टी बनती है। ऐसे हमारे यहाँ सरसों का तेल ही हर एक चीज़ में यूज होता है, बहुत ही फायदेमंद है। तेल को गर्म होने देते हैं पहले। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। बस जीरा के सिवा कुछ भी नहीं डालेंगे। इसके तुरंत चटकने के बाद हम डाल देंगे ये पीसे हुए मसाले। इसमें डालेंगे बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मसाले को थोड़े देर के लिए भून लेंगे। ये मसाला जो है ना बहुत जल्दी ही भून जाता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बैंगन। बैंगन को मैंने बिल्कुल पतला पतला काटा था और पानी में रखा था इसे ताकि काले ना पड़े। अब यहीं पे डाल देते हैं हम स्वादानुसार नमक और इसे गलने देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ बैंगन जो है गल चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे हमने 1 टमाटर को पतले पतले टुकड़ों में काट के डाल दिया है और टमाटर को भी अच्छे से गलने देते हैं पहले। और थोड़ा सा इसको हम मैश करेंगे। ऐसे तो गल ही चुका है लेकिन मैश करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके सब्ज़ी जो है थोड़ी सी लटपटी सी बनती है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। तो ये आलू जो है ना उबले हुए आलू हैं, इसको मैंने मैश कर लिया है। ना ही ये बड़े टुकड़े में है और ना ही ज़्यादा छोटे टुकड़े में है। तो इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप इच्छा अनुसार अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा ही पानी पसंद है इसमें। सब्ज़ी यहाँ तैयार हो चुकी है, मात्र 2 मिनट मैंने पकाया है। तो डाल दिया है हमने खूब सारा धनिया पत्ता और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और यहाँ मैंने बोल में सब्ज़ी को सर्व कर लिया है। देखिए कितनी लाजवाब सब्ज़ी है। तो हमने इसे पराठे के साथ खाया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप भी एक बार ज़रूर तो ट्राई गाइस कर सकते हैं। अभी बज रहे हैं 11:08 और यहाँ देखिए मैंने चावल भी बना के रख दिया है, गर्मा गर्म अभी है। इसमें दाल बन चुका है और ये आम की चटनी रेडी है। इसके नीचे थोड़ा सा भुजिया भी है और एक पराठा बच गया था तो मैंने इसी में रख लिया है। और ये हमारी सब्जी गर्मा गर्म रेडी हो चुकी है। अब बच्चे आएंगे 11:30 बजे, छुट्टी होगी उनकी। और इसके बाद देखिए ये होता है किचन का हालत, स्पेस कम है यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है मुझे। मैं काम भी करती हूँ, सफाई भी करते रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चटाई बिछाकर यहाँ पे सब सूट वगैरह करती हूँ, क्योंकि इस तरीके का फर्श जो है ना वीडियोज़ में दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, पर जुगाड़ बना लेती हूँ मैं अपना। तो चलिए अब बच्चों का इंतज़ार कर लेते हैं, चलते हैं, अब थोड़ा सा आराम करते हैं। उससे पहले ये सारे कचड़े हैं इनको मैं उठा लेती हूँ। तो देखिए सारे चीज़ों को मैं जगह पे कर दी हूँ और यहाँ देखिए सामान का लाइन लगा हुआ है, जगह ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। हर जगह देखिए सामान ही सामान है। और यहाँ पे मैंने सिलबट्टा रखा है। आ गई हूँ रूम में और ये देखिए सारी खिड़कियाँ जो है खुली हुई हैं। काफ़ी डस्ट आ रहा है अभी से ही, बाहर तेज़ हवाएं चल रही है तो इसको बंद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। और ये देखिए फैन ऑन ही है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। और इन लोग को देखिए मैंने खाने के लिए इन लोग को दे दिया था, ये लोग खा भी चुके हैं। लेकिन होता है ना कि जब हम लोग रूम में आते हैं ना तो इन लोग को लगता है कि कुछ खाने के लिए आया है तो फिर से खड़े हो जाते हैं। अभी सो रहे थे ये लोग, मैंने आराम भी नहीं किया था तब तक बच्चे लोग आ चुके थे स्कूल से और इन लोग को खाना नहीं खाना है तो मैंने हस्बैंड को खाना लगा दिया था, ये खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल चावल चटनी भुजिया लग चुका है। खाना खा लो, तुम आओगे बंद करके।
हेलो, बंद करके साइकिल से आना। तो जाओ खाना खा कर आना, ठीक है? ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बंद करके आना, बाय। लोग कर देना सो, ठीक कर। और कुकी हम लोग के साथ चल रही है दुकान पे। ए कुकी, ए बैग ले चले। देखो बैग, हाँ बैग पड़ेगी नहीं, कल संडे भी है। चलिए तो गाइस पहुंच चुके हैं दुकान पे, और देखिए लाइट यहाँ नहीं है, पंखा बंद है, और चल रहे हैं हम लोग उधर झोपड़ी की तरफ। उधर काफ़ी ठंडा है तो वहीं पे दरी बिछाएंगे, और यहाँ बेडशीट चेंज हो गया है। चलिए बिछाते हैं, और कुछ नहीं ना चाहिए। इसमें बहुत ठंडा है, आज यहीं पे सोएंगे। हाँ सोएंगे, धूल उड़ रहा है जी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फटाफट से दरी बिछा रहे हैं, काफ़ी ये ठंडा रहता है तो हम लोग ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं, और घर जो है ना हमारा, तो वहाँ पे मन नहीं लगता है, एक ही रूम है तो बंद हुए हुए दम घुटता है मेरा, इसलिए हम यहाँ पे आके काफ़ी शांति महसूस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बिछावन बिछा रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हमारा जो है ना शाम के 8 बजे तक यहीं गुजरता है, उसके बाद ही हम यहाँ से घर जाते हैं। इधर लकड़ी भी हम लोगों ने रखा है। जाओ तकिया लेकर आओ। इधर होने लगा है कटिंग, तो खीरा को रगड़ रगड़ के ये अच्छे से काट लेती है। मेरे बच्चे जो है ना खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं, और यहाँ जो है वाटरमेलन बहुत ही लाल कलर का था, बहुत ही टेस्टी लगा, काफ़ी मीठा था, है तो छोटा सा क्योंकि काफ़ी महंगा है। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं अपने लकड़े वाले घर में, ये देखिए ये टीन वाला जो है ये रूम है, तो आज लाइट नहीं है, काफ़ी तप रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिछावन लगा लिया है, ये देखिए तकिया भी लगा लिया है, और ये देखिए पीछे छुपी है, बोल रही है क्यों बताई। एंजल आई नहीं है, उसको धूप लग गई थी थोड़ा सा स्कूल से आते समय, तो वो थोड़ा सा सो रही है, आराम करके देखते हैं कब तक आती है। और बाहर इतनी धूप है, लू चल रही है, रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लोग इसी में अब टाइम पास करेंगे, बाकी शाम में कुछ काम है तो करेंगे। ये देखिए नाम लेते लेते एंजल भी यहाँ आ चुकी है, अब इसका हिस्सा जो है ना पपाया यहाँ पे रखा हुआ है, खीरा भी है, फ्रूटी बनाएंगे। और यहाँ देखिए सब पील्स रखा हुआ है, बोले टूटी फूटी बनाएंगे, तो देखिए इसको सब कुछ आता है, धीरे धीरे सीख गई है। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, रेसिपी अगर आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।